So hello and welcome back everyone. We are here at Vivekanand Global University. So हम आए आज यहाँ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में एंड हमने बात करी यहाँ के CEO ओमकार बगारिया जी से अबाउट द क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड नाउ वी विल मीट द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ताकि एक आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस मिले, आपकी फैकल्टी से आप मिल सकें और स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस देख सकें. एंड हम यहाँ पे अब आपको देने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इनसाइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो. सो मैम, आप बिजनेस लॉ पढ़ाते हो ऑनलाइन एजुकेशन में जी, बट बिजनेस लॉ तो मुझे सुनने में आ रहा है जैसे कि कुछ बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होती होगी. ऑनलाइन कैसे पढ़ा लेते हैं आप? एक्चुअली दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. बिकॉज होता क्या है कि अगर किसी भी बिजनेस को देखा जाए तो आज के टाइम में कोई भी बिजनेस आसान नहीं रह गया है. हम कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट ईजी टू रन अ बिजनेस. लाइक यू हैव टू फॉलो सो मैनी रूल्स, कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यू हैव टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स विद सो मैनी पीपल. नाउ थिंक अबाउट इट, यू हैव टू पे द टैक्सेस एज वेल. सो अ स्टूडेंट, अगर किसी को उसे नॉलेज ही नहीं है कि उसे करना कैसे है या उसको बेसिक से भी नॉलेज नहीं है बिजनेस लॉज की, तो हाउ ही विल डील विद द मार्केट प्लेस. तो हम लोग कोशिश करते हैं उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाने के, केस स्टडीज के साथ, उसे हर चीज़ को एक नॉर्मल लिविंग बीइंग पर्सन के साथ कनेक्ट करने की. लाइक जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आप क्या नाम है हेलमेट नहीं लगाते तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो वो कनेक्ट कर पाएगा उस चीज़ को. मैं उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूंगी, केस स्टडीज करवाते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं. इट्स लाइक अ डिस्कशन पार्ट कि भाई आपको लॉ पढ़ाया नहीं जा सकता, आपको लॉ समझाया जा सकता, आपको पता होना चाहिए कि ये करना है, क्यों करना और कैसे करना है. सो मेनी लॉज आर हियर, और अगर आप डील करोगे ना तो हर किसी का एक सब लॉज भी है. आप मतलब आप समझ सकते हैं इससे इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है. So ma'am, many students are scared that their jobs will take over by AI. AI आ गया है and उनकी jobs जाने वाली है, but ऐसा सच में है क्या? Ma'am, इस question का answer एक question से. जब science या computer आया था तब भी लोगों को यही डर सता रहा था कि उनकी jobs चली जाएंगी, but ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, क्योंकि मैम जब भी टेक्नोलॉजिकल हम लोग ग्रो करते हैं तो देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. आई विल नॉट डिनाई दैट मे बी देयर आर अ फ्यू पर्संस दे विल लूज देयर जॉब, बट नॉट द एवरीवन. इफ यू कैन अपस्किल योरसेल्फ देन यू विल डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड मैम अगर ऐसा है भी तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कुछ नया इंक्लूड कर रहे हैं अपने करिकुलम में? एग्जैक्टली, AI इट्स अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वी आर आल्सो प्लान टू इंक्लूड दिस AI इन आवर करिकुलम. सो फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वी विल यूज एज अ कोर्स AI फॉर बिजनेस. सो वी विल ट्राई टू include this in our curriculum. Okay, and so if we get the related course we of course, include yes. करने वाले हैं. Yes. So sir, आप ऑनलाइन मोड से BCA और MCA टीच करते हैं बच्चों को? हाँ जी. बट BCA और MCA तो सर टेक्निकल प्रोग्राम्स में कंसीडर होता है, तो ऑनलाइन कैसे? एक्चुअली में बात क्या है कि जैसे अगर हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं ना BCA एंड MCA की, तो उनको स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा, लाइक कोडिंग जैसे हम करवा रहे हैं उनको. तो कोडिंग में क्या होता है कि आप अगर आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है और ऑन द अदर हैंड आपके पास एक अपना डेस्कटॉप है लाइक लैपटॉप वगैरह कुछ भी है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे कुछ भी पार्ट थ्योरी या कोड वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हो उनको, तो एक्सप्लेनिंग से ज़्यादा आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो पहली बात तो लैपटॉप में, तो वो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज आएगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है. बट उसमें क्या होगा अगर आप ऑफलाइन बैचेस ले रहे हो तो आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक साइड से बस करके ही दिखा सकते हो, उस चीज़ में दे विल फेस डिफिकल्टीज की प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल कैसे गेन करेंगे वो. बट इसमें क्या ऑनलाइन में इफ यू हैव अ लैपटॉप सो यू कैन इवन राइट डाउन द कोड इन फ्रंट ऑफ देम व्हाइल शेयरिंग योर स्क्रीन, सो ये हम कर सकते हैं इस चीज में. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑन द ऑनलाइन बैचेस.
सो देर इज नो सच थिंग कि आप इसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते. ऑनलाइन भी इट इज पूरा परफेक्ट, अच्छे से पढ़ा सकते हैं. एक्चुअली आई विल से ऑनलाइन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू टीच द टेक्निकल पार्ट्स लाइक कोर एंड ऑल. क्योंकि वो करते भी तो ऑनलाइन होते हैं ना. ग्रेट, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. सो हेलो सिमरन मैम. हेलो मैम, आप यहाँ पे एमबीए फाइनेंस पढ़ाते हैं राइट? यस मैम. एमबीए, सो एमबीए इज काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं. बट ऑनलाइन एमबीए क्या ज्यादातर स्टूडेंट परस्यू करते हैं या फिर मतलब वो कितना बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए? नहीं मैम, ऑब्वियसली ऑनलाइन एमबीए बहुत बेनिफिशियल है एंड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स एज वेल एज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑलरेडी, सो एंड इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर एनी मैनेजेरियल पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशन और एनीथिंग, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल दैट इफ दे गेट अ प्रॉपर डिग्री फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर लीडरशिप स्किल्स और एनीथिंग. बिकॉज एमबीए प्रोवाइड्स अ बिजनेस एक्यूमेन इन एन इंडिविजुअल, इट enhancing your leadership skills, problem solving skills, etc. So especially online MBA is very beneficial because it provides you a self-paced learning. So if the student is already working, so even in the click of a button, they can access any kind of material which they want to learn anywhere. So I think it's very beneficial. So if I gave a chance to you to pursue online MBA or regular MBA, what would you do? As a faculty of online MBA and as already I have seen what are the benefits of this program, so I would definitely go for online MBA over traditional MBA. And you suggest this to your yeah. friends and family? Sure ma'am. Okay, fine. Thank you ma'am. Sure. So, hi guys. Hi. Hello. मैंने भी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है तो बहुत दिनों बाद मेरी यादें ताज़ा हो रही है यहाँ पे आके. एनीवेज, सो आई एम फ्रॉम कॉलेज विद्या एंड इट इज़ अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन. तो हम बताते हैं कि ऑनलाइन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी एंड ऑल दैट, यू कैन कंपेयर एंड अ लॉट ऑफ, हम बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं. एंड दिस इज़ अबाउट, मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ जस्ट टू गिव एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. जो ऑनलाइन एजुकेशन करने वाले हैं यहाँ से उनको एक छोटा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि यहाँ के स्टूडेंट का कैसा एक्सपीरियंस है, ताकि डोंट लव ताकि वो डिसाइड कर सके कि हाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है. भाई रेगुलर वाले बच्चे भी खुश हैं, ठीक है, खुश है ना? खुश है. थोड़ा सा धीरे धीरे बोला लोगों ने, ज़्यादा खुश नहीं है. ओके चलो, एक फनी सा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ के डायरेक्टर, प्रेसिडेंट या आपकी कोई भी फेवरेट टीचर, फैकल्टी है, अगर आप उसे कोई निकनेम देना चाहते हैं तो आप क्या देंगे? स्टार्ट हो जाओ. निकनेम बोल सकते हो. Ma'am will not say anything. जा भाई. मैं क्या बोलूँ? ये तू ही बोलेगा. थोड़ा तेज बोलो, तेज. मैं क्या बोलूँ? बिच्छू. कोई नहीं बोलना चाहता. यार ये गौरव को देना. गौरव मिल से समझे. हेलो सर. दे दे. किसको देना निकनेम? डायरेक्टर और भी कोई भी, इफ यू वांट टू गिव एनी निकनेम. ऐसे तो सबने कोई ना कोई निकनेम रखा हुआ होगा सबका. नहीं मैं बोलूं, मैं बोलूंगा उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो कौन संभाले? मैडम. नहीं मैं बोल तो दूंगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन संभालेगा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैम संभालेगी. मैम क्यों संभालेगी? अच्छा यार मैं इसे कॉन्टेक्ट कर लेता. I'll handle. अरे भीड़ को कभी सजा नहीं होती, बोल. तू एक साथ बोलो भाई. गजुडॉन बोलेंगे. कौन है वो, क्या लगता है? छोटी शेरीमाल. आवाज नहीं आ रही मुझे. एक साथ सबकी तरफ से बोल रहा हूँ ना. हाँ सब सब साथ में. हाँ हमारे सर हैं गजेंद्र शिरमाली. हाँ तो सबने नाम दिया उनको गजुडॉन करके.
क्या गज्जू डॉन नाम दिया है सर को? गज्जू डॉन, वाय वाय, अब है उनका ऑरा ऐसा ही है डॉन टाइप का, इसलिए नाइस, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी बैड, बट ये अच्छा है, इट्स गुड। मैं तो बैड भी बोल दूंगा, मैं मां मारने वाली हूं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अच्छा, अब अगर आपको एक दिन का यहाँ का डायरेक्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे सबसे पहले? यूनिफॉर्म हटा देंगे, कुछ तो प्रोडक्टिव होना चाहिए। एसी लगवा देंगे मैम, एसी लगवा देंगे रूम, एसी यार ये गर्ल्स को भी बहुत चाहिए। ये गुलाबी गर्ल्स है ना, इनको एक दिन का डायरेक्टर नहीं बनना ही चाहते। यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, यू वांट टू से समथिंग? एक तो यूनिफॉर्म हटा देंगे और ऊपर से है ना ये कॉलेज का टाइम चेंज कर देंगे। क्या टाइमिंग होनी चाहिए? 9 to 6, 10 to 6, 5 to 6, 9 to 1 काफी है। 5 to 1, 9 to 1, 9 to 1, बस बस, इतना लंबा कौन पढ़ना चाहता है, इतने में सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और क्या खत्म। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सेकंड टाइम आपको फ्री रहने के लिए होगा, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल को मिक्स कर देंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये कुछ चीजें होती है जो हर जगह मिल जाती है, इट इज कॉमन। ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज का हॉस्टल सेम होना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू सर। देर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एक स्टूडेंट के लिए सही यूनिवर्सिटी कौन सी है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का देखें तो अपने को यूजीसी की जो वेबसाइट है उस पर जाना रहेगा और वहाँ पे यूजीसी डेव स्पेशली जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है वो हर साल हर एकेडमिक सेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करता है, तो वो अप्रूवल अपने को एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखना पड़ेगा और कौन से कोर्सेज का अप्रूवल हुआ है वहाँ पे, उनको वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है किसी एक्स यूनिवर्सिटी को 5 प्रोग्राम का अप्रूवल मिला हो और नेक्स्ट सेशन में अपन जब देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि उनको 5 में से 4 को ही अप्रूवल मिला है, तो अपने को ऑथेंटिकेट वे में वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा, तभी अपन वहाँ पे जाके अपना एडमिशन उसमें कन्फर्म करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आफ्टर 3 और 4 ईयर जब अपन अपनी डिग्री कम्प्लीट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार ये तो फेक डिग्री है, तो अपने ऑथेंटिकेट पे ये यूजीसी डेव की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके उसको चेक करें, चाहे ODL मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड हो, वहाँ पे क्लियरली विंडोज बना रहता है बच्चों के लिए, आराम से वो देख सकते हैं। इवन दो सेपरेटली मैनेज रहता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सर्च बार ऑप्शन बना हुआ है उसमें जाके सर्च करेंगे तो वो क्लियरली बता देते हैं ईयर वाइज इसमें इतने प्रोग्राम अप्रूवल थे और इसमें इतने प्रोग्राम। इसी के साथ कॉलेज में आके भी स्टूडेंट्स ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, केवल अप्रूव गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटीज को ही लिस्ट करते हैं। एनीवेज सर, एक और सवाल है आपसे, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एनएनसीज का भी एंड आप अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अब आप ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी अवेयरनेस भी फैलाते हैं बच्चों के लिए, तो मेरा आपके लिए सवाल है कि जैसा स्टूडेंट्स को लगता है कि एमएनसीज में ऑनलाइन जो डिग्री है वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो यू वुड बी द राइट पर्सन
तो इसके बारे में सही से बता सकते हैं कि एक्सेप्ट होती है कि नहीं? बिल्कुल मैम, इसके बारे में एक्चुअली क्या है कि एमएनसीज में मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस मुझे एमएनसीज का रहा है, तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है कि वो बहुत अच्छे स्किल सेट्स थे उनके साथ में, लेकिन इनिशियली उनके साथ में चैलेंजेस ये था कि फाइनेंशियल बर्डन को मैनेज करना है फैमिली के लिए, तो वो लोग अपनी डिग्री को अपग्रेड नहीं कर पाए। जब उन्होंने धीरे धीरे मैंने उनको देखा, मेरे सामने ही काफ़ी लोगों ने वहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन से, ऑनलाइन लर्निंग मोड से अपने आप को अपग्रेड किया, और अपग्रेड करने के बाद में उन्होंने अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने के साथ साथ में मैनेजर लेवल पे भी गए और अच्छे इंक्रीमेंट मिले उनको। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप आजकल एमएनसीज में भी कहीं पे भी जाके देखते हैं तो वो लोग भी इसको प्रिविलेज दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को स्पेशली प्रिविलेज दे रहे हैं कि उनका एम्प्लॉय भी वहाँ पर रह के अपग्रेड हो रहा है, साथ साथ में अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड कर पा रहा है। Sir, as you are the director of online education of BGU, so आप सच, I mean आप क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट को क्यों चूज करना चाहिए विवेकानंद यूनिवर्सिटी को फॉर ऑनलाइन एजुकेशन? If you talk about Vivekananda Global University, we go by the name. The name itself belongs to the great scholar Vivekananda ji. So we imbibe the philosophy of Vivekananda ji in our university. Like our motto, if you have come here, you must have seen in the gate, arise, awake, stop, not until you attain your goals. So basically what we are doing here, we are also working for the goals of different users, the learners who are coming to us. Vivekananda Global University is basically an amalgamation of a different kind of people, whether they are a faculty member or student. Similarly, in our online education also, we are not only working for achieving the GR ratio, what government had set, but also we are working for changing the life of people. In this university, most of the time people want ask what different you are providing. We are not providing anything different, but we are doing the hand-holding of our learners. Basically, we are promoting that as a learner, when you are joining us, you are not alone in this journey. We are always with you. So we are providing them each kind of services, whether it is related to their academics. We are following the 4-quadrant approach as suggested by UGC DEP. So in our LMS, which is self-engaging, self-explanatory, as well as very much easy to operate, we are providing them the live sessions. We are providing them the interaction with the industry experts, because most of the learners, they don't need a classroom teaching. They only requires, you can say, a handholding, a guidance, a facilitation of the services. So we are working for their career changes also. So different things, different people are coming with different perspective, and we are trying to satisfy their needs. So